और ये देख सकते हैं कि मुझे 1100 रुपये मैंने सेंड किए थे वो मुझे वॉलेट में ऐड हो गई है और मैंने ट्रांसफर कर लिए अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइज स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज का वीडियो होने वाला है उन लेजी पे यूजर्स के लिए जो चाहते हैं कि अपनी क्रेडिट लाइन को ट्रांसफर करना बैंक अकाउंट के अंदर वो भी किसी चार्जेस के। लेकिन गाइज ये जो वीडियो है वो बिना किसी चार्जेस वाला नहीं है, यानी कि आप कुछ चार्जेस पे करना होगा। क्योंकि गाइज जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वो आप देख सकते हैं ये वाला, वो उसके अंदर ये था कि भाई आप बिना किसी चार्जेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको बिल पे जो सेक्शन है उसका इनेबल होना जरूरी था, जो कि लेजी पे ने सभी यूज़र्स को दे रखा है। लेकिन कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जिनके अभी तक बिल पे का जो ऑप्शन है वो इनेबल नहीं किया गया है। तो गाइज ऐसे यूज़र्स के लिए जो है चार्जेस के साथ में वो अपनी लिमिट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स में है कि आपके पास फास्टैग होना चाहिए जिसके थ्रू आप रिचार्ज करके अपनी लिमिट को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए गाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो मेथड आपको ठीक से फॉलो करने हैं इस वीडियो में, और कोई दिक्कत आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। गाइज एक मेथड और बता रहा हूँ कि आप यदि चाहते हैं कि आपसे लिमिट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है और आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है करने में, तो आप मेरे थ्रू भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। आप मुझे डायरेक्टली सेंड कीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा कुछ चार्जेस के साथ में। तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और चलिए आज की वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं, वहीं पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन। तो गाइज आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लेजी पे ऐप को ओपन कर लिया है। गाइज आपको भी यहाँ पर आके अपने लेजी पे ऐप में चेक कर लेना है कि आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन इनेबल है, एक्सप्रेस लोन और बिल पे। गाइज ये बिल पे वाला ऑप्शन है ना, ये कुछ लोगों को ही शो हो रहा है, कुछ लोगों को शो नहीं हो रहा है। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है कि वो अपना पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि बिल पे से मैंने जो मेथड बताया था गाइज उसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ से फास्टैग रिचार्ज को सिलेक्ट करके अपने फास्टैग में रिचार्ज कर लिया था। इससे मुझे कुछ भी चार्ज नहीं लगा था। और जो लोग बोलते हैं कि कुछ चार्जेस के साथ में हो रहा है, तो गाइस हर चीज फ्री नहीं होती है ना, कुछ चीजों में चार्ज भी लगता है। तो अब जो ये वाला मेथड मैं बता रहा हूं आपको, वो यदि इन लोगों को जो बिल पे नहीं दिखा रहा है उन लोगों के लिए होने वाला है। तो गाइस आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है अपना, आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है गेट चार्ज, एक वेबसाइट है गाइस, यहां से इसको सर्च करना है। गाइज जो पहले नंबर की जो साइट आ रही है इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली आपसे यहाँ पर साइनअप मांगेगा। गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर लिया है यहाँ पर मेरे अकाउंट को। गाइज साइनअप करने के बाद में आपका जो नया अकाउंट होगा उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल रिचार्ज, पोस्टपेड, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, पाइप और ऐसे काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं हमें। तो गाइज यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है फास्टैग ऑप्शन। फास्टैग यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फास्टैग पे क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ से आपको अपने फास्टैग के व्हीकल नंबर को सिलेक्ट करना होगा जो आप फास्टैग को यूज़ करना चाहते हैं। गाइज आपके व्हीकल नंबर ही आपका फास्टैग रिचार्ज में काम आता है, इसलिए जिसके पास फास्टैग है वो अपना फास्टैग यूज़ कर सकता है, और जिसके पास फास्टैग नहीं है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसकी हेल्प करूँगा इसके थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करने में। तो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर अपने टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। गाइज यहां से अपना फास्टैग नंबर डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि गेट इशूइंग बैंक आ जाता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इसमें आपको यूज़ करना है, क्योंकि पेटीएम एक ऐसा इकलौता बैंक है जिसके थ्रू आप फास्टैग से रिचार्ज करते हैं तो उस मनी को आप बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि और जो बैंकिंग उसके वॉलेट से आप उसको बैंक में नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ही फास्टैग यूज करना है इसमें। गाइज यहाँ पर आपको रिचार्ज अमाउंट डाल लेनी है, मिनिमम यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ डालने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप जितना चाहें उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक फास्टैग की लिमिट होती है 10,000 रुपीज़, तो इससे ऊपर आप मत डालना। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1,000 रुपीज़ डाल के रिचार्ज पर सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ से रिचार्ज पे सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है। इसमें कन्वीनियंस फी आपको लगेगी, जिसमें 1,059 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। इसको मेक पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। मेक पेमेंट के बाद में आपसे लेजी पे का ऑप्शन शो होगा। गाइज लेजी पे से आपको पेमेंट करना है इसको। चलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, अब ये पेमेंट के ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लेजी पे से पे करने का। गाइज यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, देख सकते हैं जो पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी है। इसमें पे लेटर का आप यूज़ करते हैं तो 94 रुपीज़ आपको इसमें चार्ज लगेंगे। यदि आप वॉलेट से करते हैं तो आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट से करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, इनसे भी आपको चार्ज लगने वाला है।
तो गाइज 59 प्लस 94 आपको ये चार्ज लगेगा इसमें लेजी पे से पेमेंट करोगे तो, लेकिन आपकी जो अमाउंट है वो 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगी ट्रस्टेड ऐप है। यहाँ पर सेंड ओटीपी आ रहा है, सेंड ओटीपी करने के बाद में आपका ओटीपी सेंड कर ओटीपी आएगा, उसको डाल के यहाँ से पेमेंट क्लियर हो जाएगी लेजी पे से और वो फास्टैग रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है कि आपकी अमाउंट जो फास्टैग में चली जाएगी गाइस, वहाँ से पेमेंट सक्सेस होने के बाद में अब मैं आ गया हूँ मेरे पेटीएम के अंदर। यहाँ पर आपको फास्टैग रिचार्ज करने के बाद में सक्सेसफुल होने के बाद में अपने पेटीएम के अंदर वॉलेट में आ जाना है। वॉलेट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि गाइस यहाँ से मुझे अपने वॉलेट के अंदर वो अमाउंट रिसीव हो चुकी है पेटीएम वॉलेट में, और ये देख सकते हैं कि मुझे 1100 रुपये मैंने सेंड किए थे वो मुझे वॉलेट में ऐड हो गई है और मैंने ट्रांसफ़र कर लिए अपने बैंक अकाउंट में। जो यहाँ पर सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके वॉलेट से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने लेजी पे इसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे आसानी से। ये था आज का वीडियो, जल्दी से फटाफट से जाके इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। कोई भी ऐसा दोस्त आपका जिसको लेजी पे का अकाउंट से डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसको जाके ये वीडियो शेयर करो, लाइक करके जरूर जाना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो अगर आपको और चाहिए पे लेटर वॉलेट्स के ऊपर जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले, तो गाइस सारे वीडियो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।